Alright, so day one Islamabad. अभी हम जा रहे हैं मार्गला ट्रेल 3 पे हाइक करने, मार्गला की पहाड़ियाँ चढ़ने जा रहे हैं. और काफ़ी सारे ट्रेल्स हैं, लेकिन मुझे सुनने में ये मिल रहा है कि यहाँ पे चीते बहुत ज़्यादा हो गए. रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि वो मुरुज़ार जू जो था वो बंद हो गया, तो फिर चीतों ने कहा कि हम पहाड़ियों पर माइग्रेट करते. मूड था हमारा टॉप पे आके सनराइज़ देखने का. सूरज तो वेट नहीं करता ना आपका, ऊपर जाके फिर हम देखेंगे सनसेट और बैठ के थोड़ी गप्पे लगाएंगे. मेन रीज़न ये थी कि रात को खापे बड़े कर लिए थे. ऑलराइट, तो हम अभी ट्रेल 5 पे चल रहे हैं. पीछे बड़ा सीनिक सा, यू नो, नेचुरल ब्यूटी हम एंजॉय करने आए थे, वही हमें मिली है इधर. नेचुरल ब्यूटी पीछे से सबको आवाज़ आ रही है. एक बोलने नहीं देना, तू बोले यार, बोले. खैर, बड़ी ज़बरदस्त सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन अ सीरियस नोट, बहुत ज़बरदस्त सी जो है नेचुरल माहौल चल रहा है. ये इस्लामाबाद की बोटैनिकल गार्डन्स के अंदर से हम गुजरते हुए ऊपर जा रहे हैं. अब ये नहीं पता ऊपर किधर पहुंचेंगे हम. अगर आज हमने कामयाबी से अपनी हाइक पूरी कर ली ना, तो हम मौलवी को शदीद मिस करेंगे. उसकी रीज़न ये होगी कि उसकी वजह से हमने कोई हाइक आज तक कामयाबी से पूरी कामयाबी से पूरी की. अब मौलवी कौन है? मौलवी एक बहुत बड़ा फलसफा है जिसके ऊपर आप पीएचडी कर सकते हैं. एक बहुत बड़ा फिनोमेना है. तो मैं आपको इस किस्म में ये नहीं बता सकता कि मौलवी क्या चीज़ है, लेकिन वो जो आप समझ रहे हैं वो मौलवी नहीं है. मौलवी हर एक ग्रुप फ्रेंड्स का सर्कल होगा, उसमें एक मौलवी ज़रूर होता है. तो आप भी अपने इर्द गिर्द देखें, कोई ना कोई मौलवी आपको ज़रूर मिलेगा. इस तरह की मखलूकात जो है ना बना के अल्लाह ताला ने रूलर्स पे बहुत सारी छोड़ी हैं, तो हर ग्रुप में एक आधा होता है. आते साथ ही ना लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ सबको ले के दरिया में छलांग मारता है. अच्छा ऊपर वाकई पहाड़ है, मुझे कह गया है पहाड़ है, लेकिन नीचे तो कुछ नहीं था. नहीं है पहाड़ वैसे नहीं है. मैं वही समझ रहा था कि इधर जो है ना कहानी है सारी. ये अल्लाह ताला ने ना बड़ी खूबसूरत जगह बनाई है. आप सब लोग आए यहाँ पे, इरादा लिखवा लें अपना, जब बुलावा ना वो आ जाएंगे आप लोग. अच्छा, बाहर ना बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, और इंग्लैंड में बहुत लोगों को इन हाइक्स वगैरह का बहुत शौक होता है, और वहाँ पर भी हाइक्स इस तरह की मिल जाती हैं. बट ये जो एटमोसफेयर है ना कि सुबह सुबह आएँ, परिंदे चहक रहे हैं, और दरख्तों की कैनपी के अंडर आप जा रहे हैं, सामने आपके पहाड़ आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, आपको पता है कि आपने इन पहाड़ों को सर करना है इंशाल्लाह. तो वो जो है ना सीन ही और टेस्ट ही और फील ही जो है ना डिफरेंट होती है. तो जी, हम इस वक्त ट्रेल के टॉप पे पहुंच गए हैं. पीछे आपको पहाड़ और इधर नीचे करके ये सारी, ये आपको सारी इस्लामाबाद की वादियाँ नज़र आ रही है, और ये सारे पहाड़ हैं. इस तरफ जो है ट्रेल 3 की तरफ रास्ता जाता है. भाई कह रहे थे कि इधर से नीचे चलते हैं, मैंने कहा कि नहीं यार, आप ऐसा करते हैं कि यू नो दूसरे ट्रेल का भी थोड़ा सा सीन इन्जॉय करते हैं. तो हम अभी ट्रेल 3 की तरफ जाएँगे, और वहाँ से फिर हम नीचे का कोई नहीं जाएंगे ये इग्नोर किया करें ऐसी बातों को. डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स जो है ना उनको अपनी लाइफ से निकाल दें. ये लास्ट अपना लेग ख़त्म करना है जर्नी का, और उसके बाद बैक होम. अच्छी खासी आज कर्शन हो गई है, 20,000 स्टेप्स हमारे हो गए और 1800 कैलोरीज, मतलब जाके हम पराठे खा सकते हैं. अब
राइट जी, पार्क का टूर हमारा हो गया है। अयूब पार्क गए थे पिंडी के एक कोने में, कैंट के करीब करके पार्क है। आई बिन देयर बिफोर फ्यू टाइम्स, लास्ट टाइम मैं आया था तो बारिश शुरू हो गई थी, इस वजह से जल्दी जल्दी मैं वापस जाना पड़ा था। और अच्छा मेंटेन हुआ है, साथ एक अंदर यू पार्क म्यूजियम है जिसमें बहुत सारी आर्मी की हिस्ट्री से रिलेटेड और वॉर की हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, एंड उसके बाद बहुत बड़ा सा हेलीकॉप्टर खड़ा है जो कि बच्चों ने बहुत गौर से देखा, इन्जॉय किया। शुरू में जी झूले वगैरह लिए, भागते दौड़ते रहे हैं, पकौड़े समोसे खा के थोड़े से टोन होने वाले थे, और मेरे तो चौधरी साहब जो है ये सो भी गए। कुछ चीज़ें मेरी लिस्ट में थी, उसमें एक तो वही मकई का जो होता है भुट्टा रेत में भुना हुआ, वो हमने खा लिया है। उसके अलावा हम म्यूज़ियम वगैरह घूमे हैं, वहाँ पे एक राइड्स वगैरह का भी सिस्टम लगा हुआ था लेकिन आई डेंट फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो इस वजह से राइड्स हमने नहीं ली। फिर बच्चे थक गए और उसके बाद अभी हम निकल आए हैं, तो इट्स नाइस प्लेस, बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे। रश बहुत ज़्यादा हो गया था टुवर्ड्स द एंड, इस वजह से वी जस्ट लेफ्ट। इट इज़ खाबा बाय नुमान मसूद, इसके हमारे पास हमारे उनका खाना हमने ऑर्डर किया और खा रहे हैं, इट्स टेस्ट नाइस। और इसकी रिकमेंडेशन जो थी वो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दी थी, तो ऑब्वियसली नए नए जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं वो ट्राई करेंगे, उनसे दिस इज़ नंबर वन आज के दिन में। सो वी ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें एक हरा मसाला हांडी है जी, जिसमें एक हरा मसाला हांडी है, साथ वाइट हांडी है, साथ बीफ कबाब है और फिश भी है। पीछे मैच लगा हुआ है जिसका शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, इस वजह से बाकी कमेंट्री मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, बट टेस्ट इज़ गुड, नाइस है। अभी खाने पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और बाकी बात थोड़ी देर में होती है। तो हम लोग जी अभी गए थे सर टेंट पॉलिश कराने, वो करवा के मैं आया हूँ और अभी मैं अपने दोस्त के पास बैठा हूँ। जवाद इज़ माय कॉलेज का बड़ी और हम लोग कॉलेज भी इकट्ठे गए हैं और फिर उसके बाद हम लोग अकेडमी जाते थे। अब जो है फिर जवाद साहब जो है चले गए, इन्होंने अपनी आर्किटेक्चर की डिग्री की थी कॉमसेट से और उसके बाद ही वेंट टू इटली और वहाँ पे जाके ही डिड हिज मास्टर्स इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। तो अभी जो है इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है विच इज़ रिलेटेड टू आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग और क्या चीज़ थी कंस्ट्रक्शन। तो जो लोग आप में से पहले नहीं देख चुके, ये जो है ये बहुत बड़े टीवी स्टार हैं, पीटीवी के लाइव शोज में आके इधर बड़े बड़े लोगों को जो है मशवरे देते हैं घर बनाने के सिलसिले में। हैज़ वर्क वेरी हार्ड और मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस जो है इट इज़ वेरी वेरी गुड, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि यू नो जिनके पास कोई स्किल है, यू कैन पुट इट टू यूज़ एंड देन आप जो है ना अपना बिजनेस चलाओ और अपनी मर्जी से काम करो, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है ना, इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, आपको मेहनत पुट इन करनी पड़ती है आपको। मैं अभी ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनको दो दफ़ा जो है कॉल आई है, उन्होंने कॉल रिसीव की और ऑब्वियसली यू आर ऑन कॉल ऑल द टाइम। मेरे लिए तो बहुत आसान है कहना क्योंकि मैं सुबह चलो ठीक है 13 घंटे मेरी नौकरी है और सुबह टाइम पर पहुँचना पड़ता है, लेकिन 5 PM एवरीथिंग फिनिशेज। मशवरा आप दें कि जी बिज़नेस कैसे बंदा स्टार्ट करे। यार कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका आपके स्किल्स किस चीज़ में बेहतर है। काफ़ी सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने किया आर्किटेक्चर है या कोई और किसी और उसमें फील्ड में है, लेकिन बिज़नेस वो किसी और में करें, जॉब करें साथ साइड बिज़नेस कोई और चीज़ का कर रहे हैं। बाकी ये कि बिज़नेस आसान भी नहीं है, ये भी नहीं कि आप उठें जॉब छोड़े आप गए यार मैं बिज़नेस शुरू करता हूँ, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं। आपको इसमें बड़ा सब्र करना पड़ता है। इस पर मैंने इनिशियली जॉब भी की है, जॉब में भी काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन जब आपका क्लैश ऑफ माइंड्स आ जाता है ना तो कई दफ़ा उसमें फ़ायदा भी होता है कई दफ़ा नुकसान भी होता है, क्योंकि फील्ड है आपने सोचना है आपने करना है,
तो आप किसी के इन्फ्लुएंस पर आके काम कर सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। जवान ने भी जिक्र किया इस बात का, और मेरे जहन में एक बात आई है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब तक जो है अपने जैसे माइंड या अपने से कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड्स के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो आपको बहुत लोगों के साथ ऐसे काम करना पड़ता है जो आपके साथ उनकी बैंडविड्थ या वेवलेंथ जिसे कहा जाता है नहीं मिलती, तो मौलवी जो आपकी मेजर मोटिवेशन होती है उनके साथ कि यार ये बंदे के साथ मेरी अब जरा क्लैश आ रहा है, वो फिर आप कहते हैं यार बाढ़ में जा मैं अपना काम शुरू करता हूँ। अगर यू फील कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें उसकी मैनेजमेंट के अंडर योर ड्रीम्स आर नॉट कमिंग ट्रू या यू कैन नॉट रियलाइज देम, देन मे बी स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंट। डजंट मीन कि हाँ आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपके सेविंग्स नहीं यू कैन लुक फॉर वर्क एल्सवेयर। जब एक दरवाज़ा बंद होता है ना तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली बाकी दरवाजे खोलता है, ये नहीं कि फिर दरवाजे बंद ही करते जाएं आप बैठ के। तो खैर रात को बैठ के हम गप्पे शप्पे मारते रहते हैं और फिर वही बात है कि अगर आपने निकलना हो तो निकल जाएं, अगर नहीं निकलना हो तो घर जाएं। तो अभी भाई जो मुझे घर छोड़ने जा रहे हैं और दैट इज़ एंड ऑफ माई डे टू डे। इंशाल्लाह कल कोई और प्लान बनाएंगे और निकलेंगे। अभी तक इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो।